बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग इलेवन, क्योंकि इलेवन के बच्चे हैं, ट्वेल्थ के बच्चे हैं इसमें, तो हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग टीचरों का सम्मान करना सीखिए। सम्मान केवल आदर भाव या नमस्कार करने से, प्रणाम करने से नहीं होता है, ठीक है। टीचर की कोई बात जो बोलता है तो उसको नकारे नहीं, ठीक। वो टीचर हमें स्कूल के अंदर यदि है, क्लास में आता है, हमें पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, वो अलग बात होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? यदि हमें कोई टीचर कहता है कि बेटा ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए, ये मत करिए आप, तो आपको तुरंत जो है उस पर स्वीकृति अमल भी करना चाहिए, विचार करना चाहिए उस बात पर, हमारी बात, ठीक है। जैसे आपको कह दिया गया, मान लीजिए आप बड़े हो गए हैं, कोई फोन लेकर आता है, आपको लेकर आता है, या कोई बच्चा भेदता करता है, कोई गुटका खाता है, कुछ करता है, सब लोग मना करते हैं कि बेटा फोन मत लाइए, बंद कर उम्मीद के साथ कर लड़के रहते हैं, अरे घूम खर्च करते हैं आपके ऊपर 10-20-50 डेली आप खर्च करवाते हैं उनका, डेली आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं। और ये जो उम्र होती है 18 से 25 वाली, बहुत ही संघर्ष और तूफान की आयु होती है, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा है कि 18 से 25 साल की जो अवस्था होती है संघर्ष और तूफान की आयु होती है, इसमें बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जो एक गुरु होता है वो मार्गदर्शक होता है, वो अपने बच्चे को एक माता पिता की तरह ही उसका भला सोचता है, उसका हित सोचता है, वो सोचता है कि हमारा बच्चा कितना आगे बढ़ जाए, कितना कीर्तिमान बन जाए, कितना प्रकाश फैलाए इस जगत में, इस विश्व में, कितना महान बन जाए। एक माता पिता और गुरु ही ऐसे होते हैं कि निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं अपने बच्चों के प्रति, और सारे रिश्ते जो है आपके स्वार्थी हैं, इसलिए हमेशा माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव बनिए, समझदार बनिए। अब बचकानापन जो हाई स्कूल तक वाला रहता है उसको आप लोग छोड़ दीजिए, बड़े हो गए हैं तो समझदार बनिए, ठीक है। ऐसा भी होना चाहिए कि कभी कभी यदि टीचर नहीं होते क्लास में तो आपको मतलब ऐसा भाव क्लास के अंदर होना चाहिए कि कोई टीचर है क्लास में, है ना। तो आप बड़े हो चुके हैं क्योंकि, तो आप अनुसरण आपके छोटे भाई भी करेंगे, है ना। यदि आप उत्तम रहेंगे तो वो भी उत्तम बनेंगे, जैसा बड़े करेंगे वैसे छोटे करेंगे, समझ रहे हो बात, ठीक है। क्योंकि कहते हैं आर्ट साइड वाले बहुत दंड हैं, बहुत ही शिकायत मिलती है, आपको भी सुनने को मिलती है, हमें अंदर से बड़ा कष्ट होता है। हालांकि हम भी आपको समझाएं कि ऐसा मत करिए, ताकि कोई आवाज़ उठा सके आपके ऊपर कि ये बच्चे बड़े दंड हैं, उनको मैनेजमेंट से सुनने को मिलता है, प्रिंसिपल से सुनने को मिलता है ना। तो हमको अंदर से कष्ट होता है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी क्षति है, हमारे भी सम्मान को ठेस पहुँचती है, और हमें अपना सम्मान ही सब कुछ प्यारा है, तो हमारे सम्मान को क्षति मत पहुँचाइए। क्योंकि आप बड़े हो गए तो लाठी डंडे से आपको समझाया नहीं जा सकता, है ना, समझाया जा सकता है, छोटे बच्चों को समझाया जा सकता है, आपको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। इसलिए आप लोग दंडता छोड़ करके अच्छा व्यवहार करिए बड़े बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह। और हाँ, एक बार और कहेंगे कि बात सबको समाप्त करेंगे, ये जो समय चल रहा है इंटर वाला, ये एक क्षण आपके लिए बहुमूल्य है। आपके माता पिता भाई बंधु बड़े लोगों को कहते ना कि हमने ये नहीं किया है, ऐसा नहीं किया, नहीं हम ऐसे बन गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, हमने नौकरी छोड़ दी, उसे आप सबक सीखिए। उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उनको हमें नहीं दोहराना है, हमें अपने भविष्य में जो हमारा समय है, क्योंकि समय लौट के नहीं आता, उसका एक ही क्षण है कि खाली है।